दूसरा पित्त का हिस्सा, पित्त का हिस्सा बहुत क्लियर है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि घी ज्यादा खाएंगे पित्त आपका हमेशा सम रहेगा, और ज्यादा घी खाने का जो समय है वो बारिश के दिनों में और ये जो गर्मी के दिन होते हैं ना उस समय घी ज्यादा खाइए ताकि पित्त को कंट्रोल करके रखें। और वात के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं शुद्ध पित्त। अभी ये जितनी बात है आप सोचो कितनी सरल है, बस हमें अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव करना है। जीवन शैली में बदलाव से पहले मन में संकल्प लेना है कि जी हम तो ऐसे ही चलेंगे, दुनिया जिधर जाए जाए हमें उससे मतलब नहीं, हम तो ऐसे चलेंगे। तो ये तीन चीजें अगर आपने देख ली तो बहुत अच्छा है। अब थोड़ा आगे चलें, अब और दूसरी चीजों पे मैं चलता हूं कि और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके आसपास हैं और आपके वात पित्त कफ तीनों को सम पे लाने में मदद कर सकती है, ये तीनों सम भाग में रहें तो अच्छा होता है। और कौन कौन सी चीजें हैं, तो बागवती जी कहते हैं रसोई के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, सब वही है। बागवती जी ने एक सूत्र लिखा है, दुनिया का सबसे बड़ा औषधि केंद्र हमारा रसोई घर है, सबसे बड़ा औषधि केंद्र रसोई घर है। अब दुर्भाग्य से हम रसोई में जिनको मसाला कहते हैं ना मसाला, वहां मसाला कुछ नहीं है, सब औषधि है। मसाले का और औषधि का अंतर मालूम है, ये मसाला तो शब्द ही भारत का नहीं है, पहले तो ये बता दूं, ये अरबिक शब्द है, फारसी से अरबी में आया, अरबी से हमारे घुस गया, हिंदी में और जगह जगह घुस गया, ये विदेशी आए तो ये शब्द भी आया। हिंदुस्तान में 17वीं 18वीं शताब्दी का साहित्य जब मैं पढ़ता हूं तो जब तक मुगलों का राज्य रहा तब तक मसाले शब्द का बहुत उपयोग है। मुगलों के राज्य के पहले एक भी जगह किसी भी शास्त्र में मसाला नहीं है। चरक संहिता पढ़ी मैंने, कहीं भी मसाला नहीं है उसमें। सुश्रुत में कहीं मसाला नहीं है। बागवट की कहीं मसाला नहीं है। पुराने जितने लेखक हुए हैं ना 10वीं शताब्दी के पहले के, कहीं भी किसी ने मसाले शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। हर जगह है तो औषधि है, औषधि औषधि, जीरा औषधि, धनिया औषधि, ये औषधि के रूप में है। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं रसोई घर की औषधियों की, ये सब आपके चिकित्सा के लिए है। अब मुझे समझ में आता है कि हमारे पुराने जमाने की माताएं बहनें जो हमारी दादी हैं नानी हैं, उन्होंने अपनी अपनी बेटियों को जो कुछ सिखाया, सब्जी बनाना तो क्या क्या डालना, जीरा चाहिए, धनिया चाहिए, हींग चाहिए, मात्रा कितनी कितनी चाहिए, वो सब बड़े वैज्ञानिक और चिकित्सक लोग रहे होंगे, क्योंकि रोज हमारे शरीर में वात पित्त कफ की स्थिति सम और असम होती रहती है। आप जानते हैं सुबह जो है ना वात ज्यादा होता है शरीर में, सुबह सुबह, दोपहर को पित्त ज्यादा होता है, शाम को कफ ज्यादा होता है, तो ये पूरे 24 घंटे में ऊपर नीचे होता रहता है। तो 24 घंटे में जो वात पित्त कफ ऊपर नीचे होता रहता है, तो सब्जियों में उसी के हिसाब से औषधियां डाली जाती है। जैसे दोपहर की सब्जी बने, दोपहर की, तो मेरी दादी को मैंने देखा था कि दोपहर की सब्जी बनाएगी तो अजवाइन जरूर डालेगी उसमें, और वही सब्जी रात को बनाती थी तो अजवाइन नहीं डालती थी। तो एक दिन मैंने दादी से पूछा कि यही सब्जी दोपहर को मैंने खाई तो इसमें अजवाइन थी, शाम को खाई तो नहीं, क्यों? तो उसने उत्तर तो नहीं दिया, तो उसने कहा मेरी मां ने ऐसा सिखाया, बस बात खत्म हो गई। अब उस समय मैं भी मान लिया कि ठीक है उसकी मां ने सिखाया। अब जब मैंने काम शुरू किया ये चिकित्सा पर, तब मेरे समझ में आया कि अजवाइन जो है पित्तनाशक है। घी के बाद, देशी गाय के घी के बाद जो सबसे ज्यादा पित्तनाशक दूसरी कोई चीज है तो वो अजवाइन है। और दोपहर को पित्त भड़कता है आप जानते हैं, और वो स्वाभाविक है क्योंकि खाना खाने के लिए पित्त भड़कना ही चाहिए, तो उस समय अजवाइन डाली जाती है सब्जी में, क्योंकि दोपहर को ही शरीर को अजवाइन की जरूरत होती है पित्त को सम पे लाने के लिए। तो भारत में ज्यादातर माताएं बहनें ये बात जानती हैं कि दोपहर की सब्जी में अजवाइन चाहिए। दोपहर का दही है ना, दही का मट्ठा, उसमें भी अजवाइन का बघार लगता है। दोपहर की जितनी भी चीजें हैं ज्यादातर अजवाइन ग्रस्त होती हैं या अजवाइन से बनती हैं, क्योंकि पित्त को सम पे रखना है। तो आप सोचो जो लोग ये कर रहे हैं वो बिना कहे कितना बड़ा काम कर रहे हैं, हमने उसका वैल्यूएशन नहीं किया, ये हमारी मूर्खता। हमारे यहां तो एक बहुत बड़ा दुष्कर्म इस देश में हुआ है, अंग्रेजों के हम गुलाम हो गए तो सब कुछ हम भूल गए, अपनी चीजें, अंग्रेजों ने जो सिखाया वही हमें याद है,
तो हम जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं अंग्रेजों के फॉर्मूले से, जीडीपी निकलता है इस देश का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो मैंने बहुत बार इस देश के अर्थशास्त्रियों से पूछा कि जीडीपी में आप विचित्र विचित्र कैलकुलेशन करते हैं, जैसे भारत की पुलिस है उस पर जो खर्चा हो रहा है वो जीडीपी का हिस्सा है, अगर चोरियां बढ़ी डकैतियां बढ़ी तो पुलिस का खर्च बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, और प्रधानमंत्री छाती ठोक के कहेगा मेरे जमाने में जीडीपी 10% से ऊपर बढ़ गया। सो व्हाट, पुलिस का खर्च बढ़ गया माने चोरियां बढ़ गई, डकैतियां बढ़ गई, अत्याचार बढ़ गए, अनाचार बढ़ गए, तो जीडीपी बढ़ गया तो क्या बड़ी बात है। तो हमारे जो जीडीपी के कैलकुलेशन है बड़े विचित्र हैं, इसमें चोरी हो डकैती हो लूट माने लूट मारी हो तो जीडीपी बढ़ेगा, लेकिन माताएं बहनें घर में जो करती रहती हैं वो जीडीपी में है ही नहीं, कैलकुलेशन ही नहीं है उसका। भारत सरकार कोई कैलकुलेशन नहीं करती कि किसी मां ने 1 किलो पापड़ बना दिए तो जीडीपी बढ़ा कि नहीं, तो कहते हैं जी मालूम नहीं बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं है। किसी मां ने दाल की बड़ी बना दी 5 किलो दाल की तो जीडीपी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आपका मन क्या कहता है, बुद्धि क्या कहती है, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। किसी ने बड़ी बना दी, किसी ने पापड़ बना दिए, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने गोंद के लड्डू बना दिए, किसी ने मावे का कुछ बना दिया, तो जीडीपी तो बढ़ ही रहा है लेकिन हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं उसको, क्योंकि अंग्रेजों के यहां महिलाओं का किया हुआ काम महत्व का नहीं माना जाता। अंग्रेजों के यहां ये जो अंग्रेज जात है ना दुनिया में, ये महिलाओं के किए हुए काम को काम ही नहीं मानती। आपको मालूम है 2000 साल यूरोप में महिलाओं को पुरुषों से हमेशा कम वेतन मिलता रहा, और आज भी है ये कई देशों में, वो मानते ही नहीं कि इनका कोई काम काम है। क्यों? वो महिलाओं में आत्मा नहीं मानते। हाँ, यूरोप का सबसे बड़ा दार्शनिक है प्लेटो, वो कहता है कि स्त्रियों में आत्मा ही नहीं होती, आत्मा सिर्फ पुरुषों में होती है, तो स्त्री जो करे वो बेकार है, पुरुष जो करे वो ही अच्छा है। तो उनके यहां से ये कैलकुलेशन हमारे यहां आ गया कि स्त्री कुछ भी करे तो काम ही का नहीं। तो अंग्रेजों का 200-250 साल जो राज चल गया उसमें हम सब के दिमाग खत्म हो गए, सोचना विचारना बंद हो गया, तो हमने भी वही मान लिया। मैं अब इसको बदलना चाहता हूं और मैं ये समझना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं कि स्त्रियां जो कर रही हैं वो किसी डॉक्टर से कम नहीं है, बस अंतर इतना है कि डॉक्टर को आप फीस देकर उससे एडवाइस ले रहे हैं, हमारी दादी नानी फोकट में वही एडवाइस दे रही है, धनिया खाओ, जीरा खाओ और ये अजवाइन खाओ, आपके पेट की गैस खत्म हो जाएगी। और ये 3500 साल से वैसे का वैसा ही है, अजवाइन खाओ तो गैस खत्म होती ही है, कभी भी आप करके देख लो, आप में से किसी को भी बहुत गैस बनती हो पेट में, एसिडिटी की तकलीफ हो, आज से शुरू कर दो आप, खाना खाया तो उसमें ध्यान रखो अजवाइन ज्यादा रहे दाल में सब्जी में वगैरह वगैरह, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो खाना खत्म करते ही थोड़ी अजवाइन खा लो। अजवाइन ज्यादा तकलीफ ना कर दे, उसका बैलेंस है काले नमक के साथ, तो थोड़ा अजवाइन और काला नमक मिला के हर खाने के बाद खा के देख लो, 3 दिन में ना आपकी गैस बंद हो तो आप जो कहो मैं हारने को तैयार, ये गारंटी मैं नहीं दे रहा हूं, ये गारंटी अजवाइन दे रही है, मेरी गारंटी नहीं है, अजवाइन की गारंटी है। तो वो कहते हैं बागवट जी की पित्त को सम रखने के लिए हमारे रसोई में घी के बाद जो दूसरी चीज है वो है अजवाइन।